टेम्प मेल का पासवर्ड कैसे बनाएं, टेम्प मेल को वेरीफाई कैसे करें। हेलो फ्रेंड, वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको टेम्प मेल का पासवर्ड कैसे बनाएं। टेम्प मेल को आप वेरीफाई भी कर सकते हो और आपने फ़ोन में लॉगिन करना चाहते हो तो कर सकते हो, और किसी भी वेबसाइट में अगर आप लॉगिन करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपना टेम्प मेल यहाँ पर ओपन कर लिया। आप किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है और टेम्प मेल सर्च कर लेना है, तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक मेल दिखाई दे रहा है, इसको अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मैं कॉपी कर लिया। अगर इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट में कर देना है एक बार क्लिक, और यहाँ पर दोबारा और एक मेल आपको मिल जाएगा, तो आपको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आप जहाँ पर भी इसको यूज करना चाहते हो वहीं पर यूज कर सकते हो, और वहाँ से आप पासवर्ड इसका क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पर यूज करूँगा DIDAI टूल, तो यहाँ पर मैं सर्च कर लिया। इसको आप करता दोबारा क्लिक, और इस पर मैं लॉग इन करके दिखाऊंगा और पासवर्ड भी क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो ऊपर एक 3 डॉट दिखाई दे रहा है, तो मैं करूंगा इसमें क्लिक, और यहाँ पर देखिए लॉग इन का ऑप्शन है, इस पर कर देना है हमें दोबारा क्लिक। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा, और नीचे देखिए गेस्ट लिखा हुआ है, तो दोबारा मैं करूँगा उस पर क्लिक, तो उसको थोड़ा जूम कर लेते। तो यहाँ पर देखिए लॉग इन, तो यहाँ पर मैं करूँगा दोबारा क्लिक, अरे गलती हो गया, अब करते हैं लॉग इन पर क्लिक। तो यहाँ पर देखिए लॉगिन और साइन अप, इस पर करना है क्लिक, और यहाँ पर देखिए सारा गलती आप लोग यहाँ पर करते हो, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना है जीमेल को। तो नीचे देखिए साइन अप लिखा हुआ है, इस पर करना है क्लिक, और यहाँ पर इसको आप कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपको करना है दोबारा नेक्स्ट, कंटिन्यू करना है। और यहाँ पर देखिए पासवर्ड बता रहा है, तो पासवर्ड तो आपके पास है ही नहीं, तो यहीं पर आके सब लोग फंस जाते हैं। तो यहाँ पर हमें पासवर्ड अभी क्रिएट करना है, तो मैं आप यहाँ पर पासवर्ड को क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, न्यूमेरिकल नंबर, या तो स्पेशल है कैरेक्टर, इस तरह से डाल देना है, और ये सारा का सारा हो जाएगा ग्रीन, और इसके बाद करना है हमें कंटिन्यू। तो यहाँ पर देखिए ये सब ग्रीन हो चुका है, एक ही नंबर आ जाए अभी, तो इसको भी यहाँ पर डाल देते हैं। डालने के बाद ये सारा सब कुछ हो जाएगा ग्रीन, तो यहाँ पर ये देखिए हो चुका है ग्रीन। तो हमें करना है अभी कंटिन्यू, और ये जो पासवर्ड है इसको आप कॉपी करके रख सकते हो, और इसी पासवर्ड की मदद से आप कहीं पर भी लॉगिन कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो मैं आप करूँगा इसको कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा लॉगिन। तो ये देखिए यहाँ पर हो चुका है, तो हमें अभी इसको करना है वेरीफाई। तो उसी में अभी यहाँ पर इसमें एक मेल आया हुआ है यहाँ पर देखिए, तो इस पर करना है हमें दोबारा क्लिक। अभी यहाँ पर एक कन्फर्म का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर देखिए आ चुका है कन्फर्म योर कन्फर्म माई अकाउंट, तो इस पर करना है अभी क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद ये रिडायरेक्ट हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा इन्फॉर्मेशन वगैरह देना पड़ता है इस तरह से, ये तो बहुत ही आसान है, इस तरह से दे देना है और कंटिन्यू करते जाना है, ये हो जाएगा ओपन। तो इसको आप करते हैं, ये कुछ दूसरा डाल के देखते हैं, यहाँ पर कुछ और बता रहा है, तो इसको कर देते हैं चेंज, दूसरा डाल देते हैं, आप करते हैं, ये देखिए ये ओपन हो चुका है। और जो पासवर्ड आपने बनाया, हमने अभी इसी पासवर्ड की मदद से कहीं पर भी लॉग इन कर सकते हो। तो हमारी वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, घंटी को भी बजा देना।